व्हाट्स अप एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब घर में हो, सेफ हो, अच्छे हो, और एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ ए कैमोन मानुष। लास्ट जितने भी दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो ए कैमोन मानुष का मैं नाम नहीं चेंज करूँगा, सीरीज वही रहेगा। सिर्फ वीडियो जो भी आएंगे अब से, मतलब जो भी आ रहे हैं लास्ट दो तीन वीडियो से लेके, वो सब हिंदी में आ रहे हैं और अभी से हिंदी में ही आएगा। तो ए कैमोन मानुष का जो सीरीज़ है वो भी हिंदी में ही आएगा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के बारे में और सेलिब्रिटीज़ के बारे में। क्योंकि सो कॉल्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो आज कोई भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग? तो आज हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज होते कौन है। एक सेलिब्रिटीज वो है जो कि मतलब एक्टिंग करता है, एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, वो लोगों को भी हम सेलिब्रिटीज में गिनते हैं। और कुछ पॉलिटिशियंस जो कि बहुत अच्छे हैं और कुछ बुरे भी, जो भी है उनको भी लोग सेलिब्रिटीज के नाम से ही बोलते हैं। कुछ एथलीट्स है जैसे कि क्रिकेटर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो, उन लोगों को भी हम सेलिब्रिटीज के मतलब अंडर ही पकड़ते हैं, राइट? और आजकल के कुछ टिकटॉकर्स जो हैं उनमें भी बहुत मतलब सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं। यूट्यूबर्स को भी हम सेलिब्रिटीज ही मानते हैं आजकल। और जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जिसे हम कहते हैं इंस्टाग्राम में देखते हैं, मतलब डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स में भी सो कॉल्ड एंड विदाउट सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो हम देखते हैं कि ये सो कॉल्ड और विदाउट सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज इस महामारी में, इस कोविड सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक सेलिब्रिटीज बनते कैसे हैं, सेलिब्रिटीज बनते हैं हम जैसे कॉमन लोगों के लिए। अब सब लोग नहीं, सब सेलिब्रिटीज नहीं, जैसे कि क्रिकेटर्स हो वो है, वो अपने दम से बनते हैं और उन्हें हम देखते हैं इसलिए हम उन्हें सेलिब्रिटीज कहते हैं। लेकिन एक बड़ा वाला जो सेलिब्रिटी का एक जो टैग है वो सबसे पहले अगर लगता है किसी में तो वो है जो एक्टर्स है और एक्ट्रेसेस है, या फिर ऐसे टाइप के जॉनर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को हम सेलिब्रिटीज मानते हैं। सो ये लोग सेलिब्रिटीज क्यों बनते हैं? क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटीज इसलिए बनते हैं क्योंकि हम लोग उन्हें देखते हैं, इसलिए वो सेलिब्रिटीज है। अगर मतलब एक एग्जांपल पकड़े हम, एक सिनेमा अगर आया है टाउन में या फिर जो भी बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, अगर हम उन्हें देखेंगे नहीं तो उनका कोई नाम नहीं होगा। अगर हम उन्हें देखेंगे तभी उनका नाम होगा, उनका सिनेमा हिट होगा, बॉक्स ऑफिस में बहुत पैसे कमाएंगे, लोग जानेंगे। अगर कोई देखेगा नहीं तो कोई जानेगा नहीं, और कोई जानेगा नहीं तो वो सेलिब्रिटीज के टैगलाइन से बाहर हो जाएंगे। तो इसी कारण अगर वो, मैं किसी भी एक्टर है या एक्ट्रेस के थ्रू जो भी है, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, जो भी लोग इस जॉनर पे काम करते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस सिनेमेटोग्राफी इंडस्ट्री में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में मैं बोलूँ, तो वो लोग इसीलिए बनते हैं क्योंकि हम लोग उन्हें देखते हैं। सो देखते हैं इन लोगों ने इस कोरोना सिचुएशन में क्या क्या किया है। सो हमारे लाइन में जो पहले नाम है वो है स्वरा भास्कर। आई होप आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो। तो इनका जो पहले हम इंस्टाग्राम हैंडल देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हो, पहले स्टोरी में हम देखते कि कुछ ऐसे ही मतलब नॉर्मल स्टोरी वगैरह दे के रखे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्या है, तो देखते हैं क्या है उनमें स्टोरी के अलावा। स्टोरी के अलावा सिर्फ पोस्ट है, नॉर्मल पोस्ट। तो ए स्वरा भास्कर जो है, तो ये वो इंसान है जो कि बड़े बड़े बातें, पॉलिटिशियंस को लेके बातें, या फिर दुनिया में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम बोलो या फिर ट्विटर बोलो, ट्विटर में तो अगर कंगना रनावत एक नंबर पे है इन सब चीज़ों में, तो स्वरा भास्कर दो नंबर में है। क्योंकि वो भी टाइप ऑफ ऐसे ही ट्वीट्स करते हैं, इन सब मतलब रेशियल चीज़ों को लेके बात करते हैं ज़्यादा, कि वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया को लेके सोचते हैं। लेकिन मैंने आज अभी तक एक भी ट्वीट, मतलब ट्वीट नहीं बोलूँगा, इंस्टाग्राम में पोस्ट हो या फिर कि वो हेल्प कर रहे लोगों को, ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ वो लोग ट्विटर में ही दिखाते हैं कि वो लोग इंडिया के लिए केयर करते हैं, लेकिन इस कोरोना सिचुएशन में वो क्या क्या किया कुछ नहीं पता। पार्ट टू, हमारे सो कॉल्ड कंगना रनावत के बारे में बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहले कंगना रनावत अपने इंस्टाग्राम हैंडल में क्या क्या देते हैं। सो पहले हम देख रहे हैं उनका स्टोरी,
स्टोरी में बस नॉर्मल ट्रीज लगा रहे, यूपी पॉपुलेशन के बारे में अमेरिका के साथ कुछ कंपैरिजन है वो सब कर रहे हैं, और मतलब न्यूज़ वगैरह और माय फॉल्ट, मतलब इटाली में क्या हो रहा है सब कुछ, बॉडीज़ वगैरह क्या क्या दिखा रहा है, मतलब इंडिया के साथ कुछ कर रहे हैं, और लगभग ऐसे ही सारे पोस्ट हैं वगैरह है ये सब। सो कंगना रनौत एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो किसी भी चीज़ को लेके हो, फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंडियन गवर्नमेंट, सब कुछ को लेकर मतलब सिर्फ वो क्रिटिसाइज ही करते हैं कि वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। और देख ही सकते हो कि ट्विटर भी उसका मतलब ट्विटर जो आईडी है उसे बैन कर दिया है इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन उनके तरफ से भी मतलब इंडिया को हेल्प जो किए हैं उन्होंने वो सब मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, सिवाय ट्विटर पर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, और इंस्टाग्राम में तो कुछ भी नहीं है कि इंडिया को मैंने इतना कुछ डोनेट किया है, फिर इंडिया के लिए मैंने वो हेल्प किया है, वो सब कुछ नहीं है। तो कंगना भी ऐसी वो सो कॉल सेलिब्रिटीज़ में आते हैं जो लोग सिर्फ बड़े बड़े बातें कर सकते हैं लेकिन काम के टाइम कुछ नहीं कर सकते। तेल गरम करो और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। तो नंबर तीन के जो सो कॉल सेलिब्रिटी है वो ऐसे ही जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना वो टाइप के हैं, वो है मिस्टर फैजू। मिस्टर फैजू एक ऐसे इंसान है और ऐसे सेलिब्रिटी है जो टिकटॉक से लेकर अभी बहुत बड़े एक इंस्टाग्राम में फैन फॉलोइंग बना लिया है। लेकिन वो आजकल क्या कर रहे हैं इन कोरोना सिचुएशन में, तो देखते हैं उनका स्टोरी। तो सबसे पहले उनके स्टोरी में मैं जो देख पा रहा हूँ वो है कि वो कुछ गाने के स्टोरी देके रखे और वो घूम रहे टर्की में या फिर शायद दुबई में, क्योंकि वो हमेशा ही दुबई में घूमते रहते हैं। तो बाकी उनके पोस्ट में जो है वो कुछ ही नहीं है, उनके फोटोज वगैरह है, लेकिन उनके भी मतलब ट्विटर बोलो या फिर कहीं पे भी बोलो, ट्विटर तो शायद है भी नहीं, जो भी है इंस्टाग्राम में कोई भी कोरोना में कोई भी हेल्प या फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ देखने के लिए कि वो मतलब असल में कुछ हेल्प कर रहे या नहीं, लेकिन लास्ट एक हफ्ते या दो हफ्ते तीन हफ्ते से मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सिर्फ वो दुबई घूम रहे हैं, टर्की घूम रहे हैं, उन लोग ये सब को लेके ही पोज दे रहे हैं। सो वो भी एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज में ही आते हैं। चूतिया बनाना हमारा काम है और तुम कब से हम ही को चूतिया बना रहे हो। चलो अब हम कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि इस कोरोना सिचुएशन में इंडिया से ही भाग गए, क्योंकि उन्हें इस पैंडेमिक के सिचुएशन में भी घूमना था, वैकेशन में जाना था, और लोग मरे या जिए उन लोगों को बस इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है घूमने के साथ। मतलब वो अलग अलग जगह में जाके, बीचों में जाके अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज खींचते, फोटोशूट करते। चलिए देखते हैं पहला कौन है। तो पहले जो इंसान का नाम है वो है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। वो लोग भी घूम के आए और तो 2021 के अप्रैल महीने के टाइम पे शायद घूम के वो लोग आए हैं, और वो मालदीव या फिर गोवा उसी जगह पे जाते हैं। फिर उन्हें भी मतलब इंडियन पब्लिक से बहुत बड़ा एक धब्बा मिला। फिर और कौन है, दो नंबर पे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी है। फिर सारा अली खान उनके मॉम है, जानवी कपूर है, उसको देख ही सकते हो आप स्क्रीन पे, मैं पूरा मतलब देख भी नहीं रहा। तारा सुतारिया और आदर जैन नया नया कपल बने हैं वो लोग। मतलब इन सब को नया नया लोग आते हैं ना बॉलीवुड के इंडस्ट्री में, वो लोग सिर्फ मतलब शो ऑफ करते, उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर आम आदमी नहीं रहेगा ना, अगर उनका सिनेमा कोई देखेगा नहीं, फिल्म कोई देखेगा नहीं, तो उन लोग वो लोग का जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी का टैग है ना वो निकल जाएगा। उन लोगों को इन सब चीज़ों का कोई परवाह नहीं है, अभी उन लोगों का घूमना है। अनन्या पांडे भी है इनमें एक इंसान जो कि वैकेशन से सिर्फ जाके ही आए, मतलब एक साथ ही गए होंगे। कियारा आडवाणी है, तपसी पन्नू है, और कौन है, सोनाक्षी सिन्हा भी एक है जो घूम के आए, और वरुण धवन। मतलब ये सारे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है ये सब घूम के आए हैं बाहर से इस कोरोना के टाइम में। अगर वो घूमने का पैसा जो उन्होंने खर्च किया था वो पैसे भी अगर मतलब दे देते एक्स्ट्रा, इंडिया के कुछ हेल्प हो जाता, लेकिन नहीं, वो लोग करेंगे नहीं। तो अभी कार्तिक आर्यन जी क्या किया आपको दिखाते हैं हम स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। तो कार्तिक आर्यन ने लास्ट अप्रैल के महीने में एक 4 करोड़ का गाड़ी खरीदा है, जो भी कार हो मुझे पता नहीं, मतलब देखने के मतलब लंबोर्गिनी कोई कार होगा, हाँ लंबोर्गिनी खरीदे है उन्होंने, लंबोर्गिनी यूरस इन इंडिया। सो इस कार का जो प्राइस है वो है 4 करोड़,
और उन्होंने एक्स्ट्रा 50 लाख दिया है सिर्फ उस कार को 3 महीने पहले लाने के लिए। सोच सकते हो 50 लाख रुपए देके 3 महीने पहले लाने के लिए एयरलिफ्ट किया उन्होंने 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके। 50 लाख से क्या नहीं हो पाता। अगर 3 महीने बाद उन्होंने कार मिला होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता भाई, अगर 3 महीने बाद कार ले लेता। लेकिन नहीं, उन्हें तो मतलब कार 3 महीने पहले लाना है, 50 लाख रुपए ज़्यादा देके भी कार ले आए, जो भी है उनका सिचुएशन है। मुझे बस बोलना था, मैंने बोल दिया। अभी हम कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि भगवान से कम नहीं है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि उनका इनकम अगर 10 रुपये से 20 रुपये हो, मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर 10 रुपये भी कमा रहे तो उनमें से भी 8 रुपये वो अभी इस कोरोना सिचुएशन में खर्च कर रहे हैं अपने पॉकेट से लोगों के हेल्प करने के लिए। वो अभी मैं कुछ ऐसे ही इंसान के बारे में अभी बात करने वाला हूँ, क्योंकि गुरमीत चौधरी एक ऐसे एक्टर है जो ज़्यादा काम नहीं किए हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे मूवीज़ में लीड का रोल किया है और सीरियल्स में आप देख सकते हो, टेलीविज़न में उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो रोज़ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो चलिए हम उनका इंस्टाग्राम देख लेते हैं। तो उनके सिर्फ जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में फ्री टेली कंसल्टेशन, वो फ्री टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर रूपराज अभिषेक के सर के साथ कॉलेब करके लोगों के हेल्प के लिए वो भी कर रहे हैं सर गुरमीत चौधरी। उसके बाद कोविड को लेकर वो IIM पार्टनरशिप किया है विथ IIS एम्पावर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में वो क्या प्रोवाइड किया, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड टेलर मेड बैचेस फॉर सीरियस कैंडिडेट्स हुज सोर्स ऑफ अर्निंग्स गॉट सफर ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो उनको भी फ्यूचर IIS के लिए मतलब ऑफिसर्स के लिए हेल्प करेंगे वो लोग। उसके बाद और भी आप देख सकते हो स्क्रीन में चल रहा होगा कि मतलब एक हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत मतलब उन्होंने डिसीशन लिया है कि एक हॉस्पिटल बनाएंगे। और बाकी आई हैव डिसाइडेड आई विल बी ओपनिंग अल्ट्रा मॉडर्न 1000 बेड वाला एक हॉस्पिटल पटना में वो खोलेंगे और लोग लखनऊ में भी खोलेंगे सिर्फ कॉमन मैन के लिए। मतलब और क्या ही बोलूँ, अगर ऐसे एक्टर्स जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं फिर भी इतना ज़्यादा देश के लिए कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ के क्यों हम उन जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे पड़े होते हैं मूवी देखने को। इनका मूवी देखना चाहिए ना, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जब हम कॉमन लोगों की उनकी ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है, अगर वो ही कर रहे हैं ना, गुरमीत चौधरी, सोनू सूद सर, ये सब एक्टर्स एक्ट्रेसेस या फिर एथलीट्स, विराट कोहली, इरफान पठान, यूसुफ पठान और फिर अजिंक्य रहाणे, पार्थिव पटेल, जो इन सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो ही हमारे हेल्प कर रहे हैं। हमें एक बार सोच के देखना चाहिए कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो एथलीट्स हो, कोई भी हो, क्या वो अपने जगह पे सही है? कि हम जब उन्हें इतना बड़ा बना रहे हैं, मतलब उनको इतने उनका नाम हो रहा है हमारे वजह से, हम जैसे कॉमन लोगों के वजह से, क्या वो इस टाइम पे हमें थोड़ा हेल्प नहीं कर सकते थे? सो, अभी जब मैं जो इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, शायद उनका परिचय मुझे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश उन्हें जानता है, पूरा इंडिया उन्हें जानता है, पूरा वर्ल्ड उन्हें पहचानते हैं। वो और कोई नहीं, वो है सोनू सूद, जो कि पहले वेव से लेकर, कोरोना के पहले वेव 2020 से लेकर 2021 आज के डेट तक सिर्फ हेल्प करते ही जा रहे हैं। उनके जो चीज़ें हैं, होटल्स वगैरह उनके नाम पे, सब कुछ उन्होंने लीज पे देके पैसे लेके दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, ऑक्सीजन से लेकर कोई भी इंसान हो, सबके मदद कर रहे हैं। चलिए उनका भी हम इंस्टाग्राम देखते हैं। अब इंस्टाग्राम में सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर बेंगलुरु को हेल्प करने के लिए, मतलब यही सब चल रहा है कि आपको दिखाता है हम जो पोस्ट किया ना, yesterday I got close to 41,660 requests. We try our best to reach out to all, which we can't. If I try to reach out to everyone, it will take for me 14 years to do that. That means it will be 2035. एक आदमी से जो हो पाता है वो आदमी सब कुछ करे, पूरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी पॉलिटिशियंस है वो जितना नहीं कर रहे, एक अकेला आदमी इतना कर रहा है, क्या ही कर। अगर एक स्टेट से अगर
पूरे इन मतलब पूरे हमारा जैसे जो स्टेट है 36 लाख लोग हैं इसमें, अगर 36 लाख लोग एक साथ बोलेंगे कि वो 36 लाख लोगों को पूरा हेल्प कर पाएंगे अकेला आदमी? नहीं ना, पूरे देश से उनके पास मैसेज आ रहे हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको पूरा, आप देखते रहे उनका पेज, मतलब कैसे उनके पास मैसेजेस आते हैं एक ही साथ, मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन आ ही रहा है मतलब ऐसा कंडीशन थी उनका कि फिर भी वो उनसे जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। और किससे हेल्प नहीं किया, पहले वेव में ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प को लेकर आज तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रेमडेसिविर से लेकर सबको हेल्प कर रहे हैं एवरीवन। तो सामने से अगर सपोर्ट करना हो ना तो ऐसे सेलिब्रिटीज को सपोर्ट कीजिए कि उनसे कुछ अच्छा हो पाए। कर सकते हैं, इंडिया में इतने मिलेनियर्स है बिलेनियर्स है, वो लोग थोड़ा थोड़ा भी हेल्प कर देना और क्या चाहिए। टाटा ग्रुप के जो लोग इतना हेल्प करें, विप्रो का जो CEO है सर वो इतना हेल्प करें, बाकी छोटे छोटे बिलेनियर्स मिलेनियर्स हेल्प कर दो ना, थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो इंडिया ऐसे अच्छे से मतलब ठीक से कवर अप हो जाएगा जो भी अभी इतना हो रहा है इंडिया में, इतने लोग मर रहे हैं। शायद अगर एक लोग को भी हम अलग से बचा लेना तो बहुत बड़ी बात है। सो अगर इतना तक वीडियो देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक दे के जाना, और मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहता हूँ बहुत ज़्यादा। और बाकी सेफ रहो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी मम्मी और डैडी का ख्याल रखो, पूरे फैमिली का ध्यान रखो। जय हिंद।